हेलो स्टूडेंट्स, और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में अपन रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे WBCA काउंसलिंग का। ओके, WBCA काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन उसका, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है ना कि अगर आपने थोड़ा भी मिस्टेक कर दिया एक बार और आपने सबमिट कर दिया, तो WBCA ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा था, मैंने भी समझाया था अपने वीडियो में, कि आपको करेक्शन विंडो खुलेगी नहीं तो आप करेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए जो भी लोग थोड़ा सा पेशेंस रख के मेरे वीडियो का वेट कर रहे थे कि वीडियो आएगा, मैं एक एक स्टेप समझूंगा, तो वो टाइम आ चुका है। वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, एक एक स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि कब कौन से सेक्शन में क्या फिल करना है, और उसके बाद आप प्लीज कोई भी मिस्टेक मत करना, इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू। ओके, तो चलिए प्रोसीड करते हैं जी, अपन एक एक स्टेप को देखेंगे। और चैनल पर पहली बार आएगा तो प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, एंड तक वीडियो देखना, सब चीज क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए तो एक लाइक बटन हिट करके चले जाना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं वीडियो को। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने जो सर्च बार है उसमें WBCA सर्च कर लेना है। जो पहला सेक्शन आएगा उस पर क्लिक करते हैं, आपको बहुत सारे सेक्शन दिखेंगे, ठीक है, लेकिन आपको तो WBCA एग्जाम से मतलब है, तो आप WBCA वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही WBCA का सेक्शन पे आप क्लिक करोगे, देन आफ्टर आपको क्या दिख रहा होगा, देन आफ्टर आपको ये वाला सेक्शन दिखेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। मतलब मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना भी आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा और चॉइस फिलिंग भी, तो इतना आप मानते होंगे कि वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, स्पीड बढ़ा लेना भले ही, लेकिन एक भी मिनट स्किप मत करना। ठीक है, चले तो मैं क्लिक करता हूं ताकि मेरा रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुल जाए। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पर क्रिएट होता है, क्या सर यहाँ पे एक तो WBCA रोल नंबर पासवर्ड रजिस्ट्रेशन पूछ के यहाँ पे साइन इन करने को बोल रहा है, और यहाँ पे दे रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो सर दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों में फर्क इतना सा है कि अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर से अपनी डिटेल्स खोलना चाहते हो, कौन सा रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग वाला, अगर आपने काउंसलिंग वाला रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है और आप फिर से अपनी डिटेल्स को ओपन करना चाहते हो, चॉइस फिलिंग देखना चाहते हो, ठीक है, कोई गलती तो नहीं कि ये देखना चाहते हो, तो आप साइन इन करोगे। ओके, आप अपना रजिस्ट्रेशन रोल नंबर सब चीज पुट करके साइन इन करोगे। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया काउंसलिंग का, आई होप कि जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे वो नहीं किए होंगे, तो आप में से सभी लोगों को न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता है। अब जैसे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन खोलोगे, बहुत सारी थ्योरी यहाँ पे खुल जाएगी, बहुत सारी चीज समझा रखा है यहाँ पे, तो आप उसको पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझा देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने को, बहुत सारे मिस्टेक्स वहीं पर हो रहे होंगे, बार बार आप क्रिएट कर रहे होगे, बार बार पासवर्ड नहीं क्रिएट हो रहा, इट्स बिकॉज कि आप इसके रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे होगे। क्या कि पासवर्ड जो होना चाहिए, साफ साफ बोल रहा है 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। ओके, और उसमें एक अपर केस होना चाहिए, एक अपर लेटर, एक लोअर केस भी होना चाहिए, एक न्यूमरिकल वैल्यू मतलब 0, 1, 2, 3 कुछ होना चाहिए, और एक स्पेसिफिक कैरेक्टर @#$ कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर इतनी सारी चीजें आपके पासवर्ड में है ना, तो फिर आपका क्रिएट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे बोल रहा है किसी के साथ शेयर नहीं करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर शेयर कर देते हैं तो आपको पता ही है। ओके, तो शेयर नहीं करना है पासवर्ड किसी से। ओके, आई एग्री पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आई एग्री पे क्लिक करोगे, ये ओपन हो जाएगा आपके सामने, ये बोलेगा सबसे पहला ऑप्शन टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस बार मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था, PDF में ही मेंशन था, क्या कि जेई मेन और WBCA दोनों का काउंसलिंग साथ साथ हो रहा है, तो अगर जेई मेन और WBCA का काउंसलिंग एक साथ हो रहा है, तो ये सबसे पहले देखना क्या ऑप्शन देगा कि जेई मेन सीट्स, अगर जेई मेन के थ्रू काउंसलिंग करना चाहते हो, अगर WBCA के थ्रू काउंसलिंग करना चाहते हो, अगर आप दोनों एग्जाम दियो, दोनों के थ्रू काउंसलिंग करना चाहते हो, तो बोर्ड WBCA या जेई मेन कर देना। ठीक है, दोनों का रैंक पूछेगा, आई थिंक मैक्सिमम WBCA स्टूडेंट है, तो WBCA सीट्स में कर देता हूं। ठीक है, जैसे ही मैं WBCA सीट्स करूंगा, उसके बाद आपको अपना रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये सभी डिटेल्स कहां मिल जाएगा सर? ये आपके एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड दोनों पे दिख जाएगा। ओके, तो चलिए मैं पुट कर लेता हूं, आप भी अपना डेटा जल्दी से पुट कर लो। ओके, तो मैंने अपना सारा डिटेल्स अच्छे से पुट कर दिया, एडमिट कार्ड को देखा मैंने सभी डिटेल्स देखने के लिए, ठीक है, और उसके बाद सिक्योरिटी पिन आप एंटर कर देना जो भी यहाँ पे मेंशन होगा यहाँ पे, और उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देना। आप जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करोगे, ये वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा, आई थिंक आप सभी लोगों को विजिबल होगा यहाँ पे। तो अब इसमें क्या करना है सर, इसमें क्या करना है, तो ये सब चीज तो ऑटोमेटिकली आपको फिल करके आ जाएगी। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वो पासवर्ड,
अभी अभी समझाया ना, पासवर्ड क्रिएट करना, एक अपर लेटर हो, एक लोअर लेटर हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो, 8 to 13 लॉन्ग कैरेक्टर हो, ठीक है, और एक न्यूमरिकल वैल्यू, इतनी सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो जल्दी से मैं पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, ईमेल आईडी पुट कर देता हूँ, मोबाइल नंबर पुट कर लेता हूँ। अब देखना, जो ईमेल आईडी आप पुट करोगे और जो फोन नंबर आप पुट करोगे, ध्यान रहे वो एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, वो एक्टिव होना चाहिए। लास्ट टाइम आपने क्या पुट किया था, अगर वो इनएक्टिव हो गया तो अब की बार आप एक्टिव फोन नंबर पुट करना। क्यों? क्योंकि जैसे ही पुट करोगे वैसे उस पर ओटीपी जाएगा, वन टाइम पासवर्ड, वो वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए काइंडली एक्टिव वाला फोन नंबर और ईमेल आईडी पुट करना। ओके, मैं पुट कर लूं, आप भी मेरे साथ साथ पुट करना। ओके, चले। तो मैंने अपना सभी डिटेल्स यहां पे पुट कर दिया, मैंने पासवर्ड भी क्रिएट कर दिया और मैंने सिक्योरिटी पिन भी एंटर कर दिया। अब मैं सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है। यहां पे लिखा भी हुआ था वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस कंपलसरी, इसीलिए बोला एक्टिव वाला देना। ओके, सो सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपको दिखे एंटर वन टाइम पासवर्ड जो आपके फोन पे गया, ओके, और एंटर ईमेल आईडी ओटीपी, मतलब ओटीपी जो ईमेल आईडी पे गया वो यहाँ पे एंटर करना है, फिर से सिक्योरिटी पिन करके फिर से वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर देते हैं। अभी तक तो बहुत इजी काम चल रहा है, धीरे धीरे कंफ्यूजन वाला पोर्शन आएगा, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, सो मैंने सब चीज पुट कर दिया, ओटीपी जो भी मेरे फोन पे गया था और जो भी मेरे ईमेल आईडी पे गया था वही जिसको मैंने पुट किया था। ओके, अब मैं वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर देता हूँ, आप भी कर दो। ओके, सो जैसे ही मैं वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट करता हूँ, देखना क्या ओपन हुआ। ओके, और आपके फोन पे भी मैसेज चला गया होगा कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर दिया, ठीक है। सो यहां पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने कंप्लीट कर दिया, अब मुझे एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, कॉन्टेक्ट डिटेल डालनी है, देन फाइनल सबमिशन करना है, वो पेमेंट करने पे होता है। और एक बार यदि आपने फाइनल सबमिशन कर दिया ना तो कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते, इसीलिए सोच समझ के करना। जब तक कंप्लीट नहीं होगा कि हाँ मेरा कुछ भी गलती नहीं है, तब तक फाइनल सबमिशन मत करना, अभी बहुत टाइम है, 4 दिन का, अभी तो 4 डेज का टाइम है अच्छा खासा, तो पूरा अच्छे से देख के फाइनल सबमिशन करना। मैं बार बार वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट के कॉल मैसेज आना शुरू कि सर ये मिस्टेक हो गया, वो मिस्टेक हो गया, क्या करूं, तो मेरा जवाब होगा कुछ नहीं कर सकते, अब डायरेक्ट मॉपअप राउंड का वेट करो, ठीक है। मॉपअप राउंड पे वीडियो ला दूंगा, इस वीडियो के बाद ही मॉपअप राउंड वाला वीडियो दिखेगा। ओके, चले। सो आगे मूव करें तो एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर ले, फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं, आपको एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। अब यहां पे ऑटोमेटिकली दो बातें, जेंडर और आपकी नेशनलिटी यहां पे ऑलरेडी होगी, देन आफ्टर आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल, वेस्ट बंगाल और आउट ऑफ वेस्ट बंगाल दो ही आएगा, ठीक है, दो ही आएगा, ये नहीं कि आप कहीं स्टेट से हो वो दिखेगा, सिर्फ वेस्ट बंगाल और आउट ऑफ वेस्ट बंगाल। जैसे मान लो मैं तो आउट ऑफ वेस्ट बंगाल हूं, जो यहां पे एडमिट कार्ड यूज कर रहा हूं जिस स्टूडेंट का, तो मैं आउट ऑफ वेस्ट बंगाल लिख दिया। ओके, फिर कैटेगरी कुछ दिखेगी नहीं आपको, क्यों? क्योंकि मैं स्टार्टिंग ऑफ द डे से डब्ल्यू वीजे कैंडिडेट्स को बोल रहा हूं, अगर आप आउट ऑफ द वेस्ट बंगाल हो तो सिर्फ जनरल कंसिडर करोगे, नो मैटर आपकी कौन सी कैटेगरी है। ओके, तो ऑलरेडी जनरल, और देखना जैसे ही मैं वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रिएट करता हूं, अब सारे कैटेगरी खुल जाएंगे यहां पे। ओके, यहां पे वेट करना। ओके, जैसे ही मैं वेस्ट बंगाल सेलेक्ट किया, यहां पे वेस्ट बंगाल भी कर रहा हूं, तो क्यों जनरल आ रहा है? क्योंकि ये स्टूडेंट जनरल है, ठीक है, इसने फर्स्ट टाइम एडमिट कार्ड के, मतलब एग्जाम के टाइम में जब रजिस्ट्रेशन किया था ना, तो जनरल पुट किया था, इसलिए देखो वेस्ट बंगाल पे भी क्लिक कर रहा हूं तो भी केवल जनरल का विंडो यहां पे हो रहा है, और आउट ऑफ वेस्ट बंगाल कर रहा हूं फिर भी केवल जनरल, इट्स बिकॉज कि रजिस्ट्रेशन के टाइम में ही आपने जनरल एससी एसटी ओबीसी आपने सब मेंशन कर दिया था। ओके, चल देखो यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑलरेडी नो आ रहा है, क्योंकि उस टाइम आपने नो किया था। ट्यूशन फी वेबर पे भी ऑलरेडी नो आ रहा है, यस का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, क्योंकि उस टाइम आपने चूज कर लिया था, अब नहीं चेंज करने को आएगा। ओके, वट एवर क्वालिफाई इन द नाटा 2023 एग्जामिनेशन जेई मेन, तो जेई मेन के थ्रू करना चाहते हो तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता हूं, तो जेई मेन पे नो कर देता हूं। ओके, आप जेई मेन के थ्रू भी करना चाहते हो, अदर इन्फॉर्मेशन तो आप यहां पे दे सकते हो जेई मेन वाला। ओके, बट यहां पे मैं नो कर देता हूं। अब यहां पे कोई भी रिफंड की पॉसिबिलिटी होती है, तो जो अकाउंट नंबर यहां पे दोगे उसी में रिफंड आएगा। फॉर एग्जांपल आप सीट एक्सेप्टेंस फी दे देते हो, लेकिन आप विड्रॉ कराना चाहते हो अपना सीट, आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो 5000 जो है इस पे सीट एक्सेप्टेंस फी रिफंड हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी रिफंड हो जाएगा, कर देगा, ठीक है। चले, तो मैं अकाउंट नंबर अपना पुट कर दूं, आप भी पुट करना अपना। ओके, किसी का भी अकाउंट नंबर पुट कर सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन कि सर अपना, पेरेंट्स का या रिलेटिव का, किसी का भी उठा के अकाउंट नंबर पुट कर देना, ठीक है, बस अपने दोस्त का मत पुट करना, नहीं तो क्या होगा, रिफंड आपका दोस्त पे आ जाएगा, ठीक है, तो उसी का करना जिससे आप रिफंड ले सको, ठीक है।
सो मैंने यहाँ पे सभी डिटेल्स पुट कर दिए हैं, अब मैं सेव एंड नेक्स्ट कर लेता हूँ। ओके, सो कुछ नहीं पुट करना इस वाले सेक्शन में, कुछ करना ही नहीं था आपको, जस्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड करना था। ओके, अब मैं सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। डू यू विश टू सेव? यस, बिल्कुल, ठीक है। सो अच्छा, एक चीज मैंने मिस कर दिया, क्या? ये वाला पोर्सन, ठीक है, कि आपको कोई चेक, अगर नहीं है चेक तो फिर पासबुक का फोटो, आपके पासबुक का फ्रंट, ओके, या फिर स्क्रीन शॉट ऑफ ऑनलाइन अकाउंट डिटेल ऑफ अबव मेंशन्ड अकाउंट। ओके, मतलब जो अकाउंट डिटेल्स हैं आपके, उसका कोई भी एक स्क्रीनशॉट बेस्ट तो होगा, मैं बोलूंगा पासबुक होगा आपका अकाउंट का, आप पासबुक का फोटो ऐड कर लेना। ओके, चलिए, क्योंकि तो मैं चूज फाइल कर लेता हूँ यहाँ पे। अब मुझे तो ये काउंसलिंग करना नहीं है, रजिस्ट्रेशन करना नहीं है, मतलब ये उस स्टूडेंट का करना हो जिसको नहीं करना काउंसलिंग, तो यहाँ पे मैं कुछ भी अपलोड कर देता हूँ। लेकिन आप पासबुक या फिर चेक, आप सही वैलिड डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना। ओके, मैं यहाँ पे कुछ भी अपलोड कर देता हूँ, लेकिन आप वैलिड डॉक्यूमेंट करना। ओके, चले, मैं करके सबमिट एंड नेक्स्ट ही करूंगा। ओके, तो जब मैं सेव एंड नेक्स्ट किया तो ये वाला डिस्प्ले मेरे सामने अपियर हो गया। अब इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को, तो ये वाला पोर्शन मिस मत करना, अच्छे से देखना। और देखो, कभी कभी क्या होता है, उसमें जैसे मेंशन था कि 10 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप पीडीएफ साइज रिड्यूसर का यूज कर सकते हो, अगर आपका पीडीएफ ज्यादा लेंदी है तो। ज्यादा लॉन्ग साइज का है, ठीक है, ज्यादा साइज का है, नहीं अपलोड हो रहा है, तो पीडीएफ साइज रिड्यूसर का यूज करके आप साइज को रिड्यूस कर सकते हो, तब ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, चले, सो मैं यहां पे देखना, सबसे पहले सब्जेक्ट ईयर सेमेस्टर वाइज डिटेल्स यहां पे पूछ रहा है, इंग्लिश का मार्क्स आपका पूछ रहा है 10th का। बहुत सारे स्टूडेंट पिछले बार पता है क्या मिस्टेक किए थे, वो इंग्लिश का मार्क्स ना पुट करके टोटल मार्क्स पुट कर दिए थे। ये गलती नहीं करना, सिर्फ इंग्लिश का मार्क्स पूछ रहा है आपका क्लास 10th का, तो इंग्लिश का मार्क्स देना। पासिंग स्टेटस आपका पास्ड है, मैक्सिमम मार्क्स आई थिंक सभी का 100 होता है, तो मैं 100 पुट कर दिया यहां पे। ओके, ऑप्टेन मार्क्स आपका जितना भी मार्क्स आ रहा हो वो पुट कर देना, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे 80 पुट कर देता हूं। ओके, अच्छा, अब 12th में देखना, पासिंग स्टेटस सेलेक्ट कर देना, पास्ड। ओके, क्योंकि ये स्टूडेंट पास था इसीलिए यहां पे पास्ड आया। ओके, अगर अपियरिंग होता तो अपियरिंग लिखा जाता है यहां पे, मतलब अगर अभी तक रिजल्ट नहीं आया होता तो आई थिंक सभी का रिजल्ट आ चुका है। पासिंग ईयर यहां पे मेंशन करना है। ओके, पासिंग ईयर मेंशन करना है यहां पे, तो पासिंग ईयर या तो आपका 2023 हो सकता है, या फिर ड्रॉपर हो तो 2022 हो सकता है, मैं 2023 लिख दिया। ओके, बोर्ड फिर सेलेक्ट करना है, कौन सा बोर्ड से एग्जाम दियो, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, कोई स्टेट बोर्ड, असम बोर्ड, यूपी बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड। ओके, तो मैं यहां पे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर देता हूं बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल, मतलब बिहार बोर्ड। ओके, अच्छा, रिजल्ट का मूड क्या था आपका, परसेंटेज। ओके, मैक्सिमम मार्क्स क्या था। अब बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि सर जो मेरा बेस्ट ऑफ 5 था उसका मैक्सिमम मार्क्स रखना है क्या, तो मैक्सिमम मार्क्स आई थिंक सभी स्टूडेंट का 500 होगा, किसी का 700 होगा, तो जो भी सभी सब्जेक्ट्स के मिला के मार्क्स है टोटल मार्क्स वो पुट करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे 5 सब्जेक्ट्स थे तो मैं 500 पुट कर लेता हूं। अब वो 5 सब्जेक्ट्स में ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या है, मैं यहां पे 433 लिखा, जैसे मैं लिखा परसेंटेज ऑटोमेटिकली हो गई। ओके, परसेंटेज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब फिजिक्स में आपका क्या मार्क्स था, ध्यान से देखना, ये पोर्शन ध्यान से देखने वाली जरूरत है। ओके, फिजिक्स में आपका क्या मार्क्स, पास हो या फेल हो, ठीक है, पास हो, देखो यहां पे पास जा रहा है, यहां पे फेल्ड क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर फेल्ड हो तो काउंसलिंग कर ही नहीं सकते, वो बच्चा तो काउंसलिंग कर ही नहीं सकता। ओके, सिर्फ पास्ट वाले ही कर सकते, इसलिए सिर्फ पास्ट का ऑप्शन दिया, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स तो यहाँ पे पास कर दिया, मैक्सिमम मार्क्स आई थिंक 100 है तो 100 कीजिएगा, 70 है तो 70 कीजिएगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल सभी का ऐड करके ही किया जाता है, ठीक है, ये नहीं कि 70 आपका थ्योरी था जो 70 पुट कर दिया आपने, 100 ही आई थिंक सभी का होगा, 100 ऑप्टेंड मार्क्स आपका जो भी होगा, फॉर एग्जाम्पल आपका 80 था तो 80 कर लो, मैं जल्दी जल्दी पुट कर लूँ ताकि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो। ओके, ये सभी डिटेल्स मैंने पुट कर लिया, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, केमिस्ट्री को फिक्स, आपको एक ऑप्शन में दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो फिजिक्स में पास्ट या फेल्ड, केमिस्ट्री में पास्ट फेल्ड नॉट एप्लीकेबल, मैथ्स में देखना पास्ट फेल नॉट एप्लीकेबल, मतलब अगर आपका मैथ्स है ही नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना, केमिस्ट्री नहीं है नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना, फिजिक्स यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल नहीं दिया है, तो आई थिंक फिजिक्स कंपलसरी रखा है कि फिजिक्स तो सभी स्टूडेंट के होने ही चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखना, ये सबसे मजे की बात है, आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है क्या, क्या बायोलॉजी आपका ऑप्शनल है, बायोटेक्नोलॉजी आपका ऑप्शनल है, जवाब आ रहा नहीं, बायोलॉजी है तो कर देना, बायोटेक्नोलॉजी नहीं है तो कर देना, अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल करोगे सभी सेक्शन में, कुछ नहीं फिल कर सकते। ओके, ये वाला पोर्शन खोलना, क्या आपका कंप्यूटर साइंस है क्या, नहीं, क्या आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है क्या, नहीं, क्या आपका टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट है क्या, नहीं, अगर है तो पुट कर देना, नहीं है सर मेरा कुछ भी, नॉट एप्लीकेबल कर दिया,
ऑटोमेटिकली सब खत्म। तो सिर्फ चार सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने पुट किए, तो भले ही 500 मैक्सिमम मार्क्स लिखा, क्योंकि बेस्ट ऑफ फाइव, फाइव सब्जेक्ट तो रखने ही रखने हैं, लेकिन मार्क्स पुट करते टाइम मैंने चार ही का पुट किया। ओके, अब मैं देखो सेव एंड नेक्स्ट कर लेता हूं, क्योंकि मेरे चार ही सब्जेक्ट थे जो ऑप्शनल थे वो इसमें दिख नहीं रहते, इसलिए मैंने चार ही सब्जेक्ट को किया। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूं, यस के ऊपर क्लिक कर देता हूं। ओके चलिए, जैसे मैं यस के ऊपर क्लिक करता हूं, देखना अब यहां पे एड्रेस पूछ रहा है, तो आप एड्रेस पुट कर लो, यहां पे कंट्रीज, स्टेट, पिन कोड, ये सभी नॉर्मल है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आधार कार्ड देखना, या फिर एडमिट कार्ड में आई थिंक एड्रेस नहीं होता, आधार कार्ड देखना, या फिर कोई आइडेंटिटी प्रूफ जो आप दिखाने वाले हो उसी का एड्रेस कॉपी पेस्ट करना। ओके चलिए मैं कर देता हूं, अभी मेरे साथ साथ कर लेना। तो अगर आपका करेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहां पे सेम है, करेस्पोंडेंस एड्रेस टिक कर देना, उसके उसके बाद फिर से सबमिट एंड नेक्स्ट करके यस कर देना। ओके अब देखना कौन सा विंडो ओपन होता है। ठीक, अब सभी डिटेल्स मेरे दिख जाएंगे, एक बार चेक कर लेना सभी डिटेल्स करेक्ट है कि नहीं। ओके सभी डिटेल्स अगर तुमने चेक कर लिया, उसके बाद आपको यहां पे भी दिख जाएगा, इंग्लिश में जो आपने पुट किया था, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सभी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, आपका एड्रेस दिख जाएगा। ओके सो यहां पे आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स भी सब चीज दिख जाएगा यहां पे। सो या तो यहां पे प्रीवियस करना है अगर कोई इंप्रूवमेंट करनी है, तो गलती मिला, इंप्रूवमेंट करनी है, प्रीवियस पेज पे चले जाना, सब चीज सही है। जैसे यहां पे मेरा सब डिटेल सही है, तो मैं यहां पे क्लिक करके सेव एंड फाइनल सबमिट कर देता हूं। ओके सेव एंड फाइनल सबमिट कर दिया, यस पे क्लिक कर दिया। ओके अब आपका खेल खत्म, अब आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करते टाइम सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फी यहां पे सबमिट करना होगा। ओके अब रजिस्ट्रेशन फी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, जैसे ही फी पे करोगे उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करना है, एंड चॉइस फिलिंग पे मैंने वीडियो कर दिया कि कौन कौन से कॉलेज को आप कैसे प्रायोरिटी दे सकते हो, तो वीडियो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। एंड चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करना, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है चॉइस फिलिंग करने, अभी भी टाइम है, एक दो नेक्स्ट दिन से मैं, मतलब नेक्स्ट डे से मैं आपको ये लिंक इनएक्टिव कर दूंगा, क्योंकि चार दिन का ही टाइम बचा है, मुझे भी काउंसलिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा, चॉइस फिलिंग प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा। ओके सो आप जाके नीचे एनरोल हो सकते हो चॉइस फिलिंग के लिए। अगर आप WBCE का एग्जाम नहीं दे रहे हो, सॉरी काउंसलिंग नहीं दे रहे हो, एग्जाम आपने दिया और काउंसलिंग नहीं कर रहे हो, तो एक स्कॉलरशिप फॉर्म होगा, आप नीचे जाके फिल कर सकते हो। ओके कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कॉन्टेक्ट कर लेना, कॉन्टेक्ट नंबर मेरा प्रेजेंट है, वो व्हाट्सएप करना प्लीज, कॉल करने का थोड़ा अवॉइड करना। ओके क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का कॉल आने लगता है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मॉपअप राउंड के प्रोसेस पे मैं जल्दी वीडियो ला दूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ओके थैंक यू।